नमस्कार, कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गडकरी ने आज भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर बाजार में लॉन्च किया है। इससे ईंधन की लागत पर सालाना लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत की जा सकती है। ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी ईंधन वाला बनाया गया है। इस ट्रैक्टर से किसानों की लागत कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। टेक्निकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की है कि कंपनी को गुजरात एमएसएमई वर्चुअल सम्मेलन सह सम्मान कार्यक्रम में जल संरक्षण में नवचार के लिए अवार्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी सम्मान मिला है, जिसे नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किया गया था। सीएफडी की अध्यक्षता में एओ करनाल के तहत डीलर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बीज निगम ने डीलरों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने बागवानी के क्षेत्र और बागवानी उत्पादों के निर्यात में काफी प्रगति की है। भारत में उत्पादित बागवानी फसलों को यूरोपियन देश, अमेरिका, यूके, यूएई, ओमान, नीदरलैंड और सार्क देशों में निर्यात किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च को शुरू होगा। इसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हमारा आगामी बजट किसानों की आय बढ़ाने वाला साबित होगा, जिसमें राज्य के 2021-22 के बजट में कृषि के लिए कई अहम घोषणाएं भी की जाएंगी। देश में एकत्रित कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की स्वीकृति दे दी है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उड़ान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन आम जनता के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च तक खुला रहेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल किसानों के जारी विरोध के बीच शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमपी के किसान अब एमएसपी पर अपनी गेहूं की उपज निजी केंद्रों को बेच सकेंगे, जिसके लिए क्षेत्र में क्रय केंद्र खोलने की अनुमति भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में दलहन उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 32 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के सफल किसान विनोद ने कृषि जागरण के फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में बताया कि वे पिछले कई सालों से काले गेहूं की खेती कर रहे हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन वे चाहते हैं कि काले गेहूं की भी एमएसपी सरकार तय करे। वहीं पंजाब के किसानों ने बताया कि एसजीएस कंपनी ने पिछले 4 सालों से नहीं किया है किसानों का प्रमाणीकरण। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब एग्रो उनकी ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं खरीद रही, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कृषि जागरण को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि कृषि जागरण बायोएजी वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आधिकारिक मीडिया पार्टनर के रूप में काम करेगा और साथ ही साथ कृषि से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिसमें आज की 3 टॉप गेनर्स कंपनीज रही जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, धनश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वही आज की 3 लूजर्स कंपनीज रही बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाथ बायोजिंसिस लिमिटेड, गुजरे ग्रुप लिमिटेड। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।